23.2 challenges to the Indian democracy. Since independence, India has been functioning as a responsible democracy. The same has been appreciated by the international community also. Okay? It has successfully adapted to the challenging situations. There have been free and fair periodic elections for all the political offices from the panchayats to the president. ठीक है, पंचायत से लेकर प्रेसिडेंट तक के एक रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होते हैं. कैसे? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं ऑन द पीरियडिक बेसिस. देयर हैज बीन स्मूथ ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी और सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू द अदर बोथ एट अ नेशनल एंड स्टेट लेवल ऑन मेनी ओकेशंस. ठीक है, ये एकदम स्मूथली एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास पावर्स पास हो जाते हैं. देयर हैज बीन स्मूथ एंड ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी स्मूथली एक पार्टी के पास से दूसरे पार्टी के पास ये पावर्स पास हो जाते हैं बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल. ठीक है, यू विल फाइंड मेनी एग्जांपल इन अवर नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, म्यांमार एंड इवन बांग्लादेश वेयर ट्रांसफर ऑफ पावर्स हैज बीन डन थ्रू मिलिट्री कोप्स. ठीक है, जैसे कि ये सारे कंट्रीज के नाम लिए, यहाँ पे इन पावर्स को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट जैसी सिचुएशन देखने मिलती है थ्रू मिलिट्री कोप्स. ये पावर्स को ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ के लिए. द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशियल ऑर्गन्स हैव बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली. द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटर्स कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इफेक्टिवली थ्रू द मींस लाइक क्वेश्चनार्स एक्सेट्रा. मोर इंपॉर्टेंटली सम सिग्निफिकेंट अटैचमेंट लाइक द राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट 2005. अटैचमेंट मोर इम्पोर्टेंटली सिग्निफिकेंट एनैक्टमेंट जैसे कि है राइट टू इन्फॉर्म वाला है RTI है 2005 का, राइट टू एजुकेशन वाला है 2009 का, अदर वेलफेयर मीन्स हैव एम्पावर्ड द पीपल. ये सारे इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इस वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी ऊपर आ रही है. ठीक है, पीपल्स लोगों के वेलफेयर के लिए ये सारे अलग अलग स्मेचेस, ये अलग अलग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं. राइट टू एजुकेशन वाला था, उसमें मतलब जिन जिन लोगों को मतलब जिन जिन बच्चों को एजुकेशन मिलना चाहिए उन सबको राइट्स दिया गया कि उनको एजुकेशन मिले. बिलो द एज ऑफ 16, 15, 18 इन लोग को एजुकेशन मिले. ठीक है, बेसिक एजुकेशन के लिए इन लोग को राइट्स दिए गए. द मास मीडिया इंक्लूडिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक हैव फुल एंटोनॉमी एंड प्ले अ की रोल इन द फॉर्मुलेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन. Significant social change has taken place in almost all the walks of the life and the nation is moving ahead on course of psycho-economic development. ठीक है, ये हर एक लोगों को free है, मतलब everyone is free कि उनको जो भी work करना है वो easily, smoothly उनका work कर रहे हैं with the government's rules and regulations. ठीक है, government के rules and regulations को follow करते हुए वो सब लोग अपना अपना work कर रहे हैं जिसकी वजह से हर एक एक्टिविटी जो है स्मूथली चल रही है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने मिल रहा है. इंडिया इज वेरी लार्ज कंट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटीज. ठीक है, लिंग्विस्टिकली, कल्चरली, लैंग्विस्टिकली, कल्चरली एंड रिलीजियसली. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वॉज इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड. देयर वर इनॉर्मस रिलीजनल डिस्पैरिटीज, widespread poverty, illiteracy, unemployment and shortage of almost all the public welfare means. Citizens has enormous expectations from independence. As mentioned above, India has changed a lot. Yet there are various challenges that the country faces in the terms of fulfillment of expectations of various sections of the society. The challenges come both from prevailing domestic and international conditions as well as a lack of adequate requisitions for the smooth functioning of democracy. These are discussed below. ठीक है, जैसे कि अभी बताया है इन्होंने कि at the time of independence it was economically underdeveloped. ठीक है, underdeveloped मतलब which the country is not developed. ठीक है, even today also we are on the developing stage. अभी भी हमारे यहाँ पे changes
हो ही रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया 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 कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में या किसी ना किसी तरीके से हम लोग नया कुछ ना कुछ इकोनॉमी में ला रहे हैं, करते रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टिल वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, अभी भी हमारी काउंट डेवलप्ड कंट्रीज में ही किया जाता है, क्योंकि स्टिल हम लोग डेवलपिंग स्टेज पे है, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था, अंडर डेवलप्ड था, लाइक जहाँ पे ना तो लिटरेसी थी, ठीक है, इलिटरेट लोग ज्यादा थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, शॉर्टेज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द पब्लिक वेलफेयर की भी शॉर्टेज थी, पब्लिक वेलफेयर मींस की शॉर्टेज थी, जो भी मींस होते हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन का वो बात करें हम, या फिर दूसरे के सारे जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई जो फैसिलिटीज होती है वो सारी प्रॉपर नहीं थी, पब्लिक मींस पब्लिक वेलफेयर की जो मींस होती है वो सारे अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। उस वक्त रीजनल डिस्पैरिटीज थे, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी ज्यादा थी, गरीब लोग बहुत ज्यादा थे, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, फिर भी गवर्नमेंट के पास से बहुत सारे एक्सेप्टेशंस थे विद इंडिपेंडेंस, ठीक है। एज मेंशन्ड अबाउट इंडिया हैज चेंज अ लॉट, बट नाउ डेज हम लोग देख रहे हैं कि पहले से अब का जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, बिकॉज कहाँ हम अंडर डेवलप्ड थे और ना कहाँ हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, ठीक है। ये देयर आर वेरियस चैलेंजेस दैट अ कंट्री फेसेस इन द टर्म्स ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, फिर भी बहुत सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वाले फुल मतलब सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस के ऊपर उनके खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। द चैलेंजेस कम बोथ फ्रॉम प्रिवेलिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कंडीशन एज वेल एज लैक ऑफ एडिक्वेट prerequisite for the smooth functioning of democracy, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फंक्शन स्मूथली करने के लिए अभी भी कम पड़ रही है, कम वो चाहे कि नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कम पड़ रहा है, ठीक है। लेट्स सी इन डिटेल, जैसे कि फर्स्ट वन ने बताया लिटरेसी, इलिटरेसी, इलिटरेसी अमंग पीपल वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी See in India on the eve of independence and it still continues to be the major challenge. ठीक है, ये अभी भी major challenge है, illiteracy continues to the major challenge. The level of education of citizen is a key to both the successful functioning of democracy and psycho-economic development also. ठीक है, अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो वो सारी चीजों को समझ पाएगा, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, अकॉर्डिंगली वो बिहेव करेगा, उसकी वजह से क्या होगा कि हर एक चीज परफेक्टली होती रहेगी, क्योंकि हर एक चीज का उसको परफेक्ट नॉलेज है अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो, इवन मतलब उसको बेटरली हर एक जो अपग्रेड जो सारी चीजें होती है, अपडेटेड जो चीजें होती है, ठीक है, उनसे वो अवेयर रहेगा, अगर एजुकेटेड है तो उनको वो सारी चीजों का अंदाजा होगा, इसलिए वो क्या करेगा कदम से कदम मिलाकर हर एक स्टेप के साथ वो आगे बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से समवेयर इकोनॉमी भी डेवलप होगी, राइट। अगर हम लोग बात करें कि जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है, सो उन लोग को बहुत सारे अब की सिचुएशन में अब की जो जनरेशन है वो उसमें कॉप अप नहीं कर पाते हैं, राइट, तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ऊपर नहीं आ पाती, राइट। अभी की करंट जनरेशन के हिसाब से इंसान लिटरेट होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो कुछ अर्न कर सकता है अच्छा कुछ, राइट, अगर लिटरेट है तो। अब वो सिचुएशन नहीं है कि अगर इलिटरेट हो फिर भी मतलब कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा है, फिर भी वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है, ठीक है, आगे जाके और भी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस इतना ही बढ़ने वाला है, ठीक है। द इलिटरेसी रेट इन 1951 वाज मेर एंड फॉर परहैप्स मोर इंपॉर्टेंटली इट इज एन इनिशियल कंडीशन फॉर द ह्यूमन डिग्निटी, बट द स्टेट ऑफ द फॉर्मल लिटरेसी वॉज ऑलमोस्ट डिस्मॉल। वेल व्हेन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट इन 1951 वॉज मेरी 18.33, इतना लिटरेसी रेट था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1951 की बात है ये। एज पर परसेंट एंड फीमेल लिटरेसी वॉज एलिजिबल विद 8.9%, इट वॉज देयरफॉर फियर्ड बाय द मेनी दैट द सिटीजन वुड नॉट बी एबल टू प्ले द रोल्स इफेक्टिवली, इस वजह से क्या होगा उनके जो भी रोल है वो इफेक्टिवली प्ले नहीं कर पाएंगे, मतलब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एंड एक्साइज द राइट टू वोट मीनिंगफुली विच इज एन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ द पावर ऑफ द पीपल, एज यू ऑल्सो नो दिस अप्रिहेंशन ऑफ हाउएवर हैज बीन proved wrong by the Indian electorate over the years.
In spite of a substantial number of them being illiterates, they have demonstrated maturity in the exercise of their rights to vote. One more than one occasion, thus resulting peacefully transfer of political powers since independence. The Indian National Congress, under the leadership of Ms. Indira Gandhi, was very popular and powerful during the early part of 1970s. But in 1977's general election, the public of the people of India rejected her primarily because of the misuse of the powers during emergency in the 1975 and 1977, and provided an opportunity to the first non-Congress government at the center in the form of Janata Party. After that, there have been changes in the government both at the center and the state almost regularly. ठीक है, जैसे कि आपने बताया important parties from here. The Indian National Congress under the leadership of Ms. Indira Gandhi, ये Indian National Congress इनके पास powers थी, इंदिरा गांधी जी जो थे इनके पास powers थी. फिर ये कब, during the time of 1970s, but in 1977 में people rejected primarily, ठीक है, because of misuse of powers during at the time of emergency in 1975. कुछ powers को misuse करने की वजह से उन लोगों ने कम support किया लोगों ने, ठीक है. After that there have been a changes in the government. उसके बाद changes देखने मिले government में, both at the center state level and state level, both level, ठीक है, दोनों levels पे. Children getting education, ये एकदम पुराना पिक्चर है जिसमें इस तरीके से हुआ करता था, मतलब स्कूल्स अवेलेबल नहीं हुआ करते थे, तो इस तरीके से मतलब बाहर ट्री के नीचे इस तरीके से इकट्ठा होते थे स्टूडेंट्स, और वन ऑफ द पर्सन एक टीचर वहां पे पढ़ा दिया करते थे, इस तरीके से बोर्ड रखकर, ठीक है. स्कूल्स अब के टाइम की जैसे इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी. लिटरेसी इज नेसेसरी नॉट सिंपली फॉर एम्पेलिंग enabling citizen to participate in the elections and exercise their rights to vote effectively, it has another important implication as well. Literacy enables citizens to be aware of various issues, problems, demands and interests in the country. It also makes them consequence of the principles of liberty and equality of all, and ensures that the representatives elected by them truly represent all the interests in the society. ठीक है, यूनिवर्सल लिटरेसी इज देयरफॉर अ मस्ट फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, द लिटरेसी रेट हैज अराइजन टू 74.04%. द फीमेल लिटरेसी रेट इज स्टिल लैगिंग एट 65.46%. दिस मींस दैट ओवर 1/4 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज स्टिल इलिटरेट, व्हाइल अमंग वुमन नियरली 1 out of 3 is not literate. ठीक है, मतलब इन्होंने बताया कि सिर्फ मतलब इलेक्शंस के पार्ट से ही एजुकेशन जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अवेयर ऑफ वेरियस इश्यूज. ठीक है, इश्यूज के बारे में अगर पता हो हमें, लॉज एंड टर्म्स एंड कंडीशंस पता हो, तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जब कुछ गलत हो, तब तो इश्यूज प्रॉब्लम्स अगर कुछ क्रिएट हो, डिमांड के बेसिस में, इंटरेस्ट इन द कंट्री. ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स है, अगर एजुकेटेड पर्सन होता है तो ये इन सारे पॉइंट्स पे वो अच्छे से रिजल्ट मतलब दे सकता है, मतलब अच्छे से वो वर्क कर सकता है. ठीक है, फिर यहां पे बताया गया कि 2011 सेंसस में द लिटरेसी रेट वाज अराइजन टू 74. ठीक है, एक हमने यहां पे देखा था, इट वाज अराउंड 18.33%. ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इन 1951 की बात करें तब, और इन फिर ये लास्ट जो इन्होंने बताया 2011 का, जिसमें 74.4% लोग लिटरेट हुए. ठीक है, फिर फीमेल्स की बात करें तो फिर फीमेल्स का फिर भी कम बता रहा है, 65.46% फीमेल लिटरेसी देखने मिला. ठीक है, दिस मींस दैट ओवर 1/4 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज स्टिल लिटरेट, 1/4 पार्ट जो है कंट्री के पॉपुलेशन का वो भी लिटरेट है, स्टिल इलिटरेट, व्हाइल अमंग वुमन नियरली 1 out of 3 is not illiterate. If the children have access to basic education, the problem of illiteracy can be checked. Recently, the right to education is provided a fundamental right. Say, fundamental rights mein include kiya gaya right to education. ठीक है,
We hope that this will help the cause of educating the children universally. Universally सारे बच्चों को पढ़ाया जाए. This will be helpful for everyone. उसके बाद है poverty. It is generally said that for a hungry person, right to vote does not have any meaning. For him or her, the first requirement is food. ठीक है. Therefore, poverty is considered as the greatest ban of democracy. It is, in fact, the root cause of all kind of deprivation, deprivations and inequalities. It is the state of denial of opportunities to people to lead a healthy and fulfilling life. Of course, Indian inherited poverty from the long exploitative British colonial rule, but it continues to be one of the gravest problems today. Even now, a considerable proportion of Indian population lives below poverty line called BPL. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन को भूख लगी है तो उसको क्या जरूरी है, उसको इलेक्शन में वोट करना जरूरी नहीं है, उसको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, फूड, उसको फूड जरूरी है. ठीक है, देयरफॉर पॉवर्टी इज कंसीडर्ड एज द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ डेमोक्रेसी. In fact, the root cause of all kind of deprivations and inequalities, इसका ये root cause है, inequalities और deprivations जो है, इसका एक root cause है poverty. It is a state of denial of opportunities to the people to lead a healthy and fulfilling life. Indian inherited poverty from the long exploitative British colonial rule. ठीक है, इसमें एक बताया गया, even now considerable proportion of Indian population lives below poverty line. Called BPL. The poverty line means an income level below. ठीक है, poverty line क्या है? Income level below which human beings cannot provide for their basic necessities of food, much less of clothes, for clothes and shelter. जिसको clothes, shelter और required food ना मिले तो वो below poverty line आते हैं. ठीक है, the poverty line means an income level. Human beings cannot provide for their basic and necessities of food, clothes and shelter. The governmental definition of poverty line during the 1960s sought to measure the extent of poverty on the amount of income required to the purchase of various minimum desirable food. Amount of income, desirable food, having nutritional standards of a calorie intake by the person. According to it, in India, conditions a person is in the rural areas need to an average of 2400 calories per day. Rural areas में अगर person रह रहा है तो उसको basic उसकी need कितनी है, 24 calories per day की है. And in urban areas, average 2100 calories per day. In order to keep himself above the poverty line, ये poverty line के ऊपर रखने के लिए उनको रितनी मिनिमम 2400 कैलोरीज इन द रूलर एंड 2100 कैलोरीज इन द अर्बन एरियाज में खाते हुए होने चाहिए, मतलब इतना उनको रिक्वायर्ड होना चाहिए, अदरवाइज वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ड्यूरिंग द 1990s नॉन फूड आइटम्स लाइक क्लोथ्स, एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर, एजुकेशन एक्सेट्रा गॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी. इसके बाद ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होने लगी, क्लोथ्स, एम्प्लॉयमेंट, शेल्टर, एजुकेशन भी. ठीक है, poverty in the neighborhood of affluence. Poverty in the contemporary phase is linked with the systematic deprivation of rights. It is also associated with the notion of Human Development Index, HDI, Human Development Index, as campaigned by the Mabud Ullah Haq and Amartya Sen. Viewed from the HDI perspective, the definition of poverty also includes psychoeconomic, political and human rights issues under this ambit. इसके अंदर ये भी सारी चीजें include की जाती है. ठीक है, जैसे कि बताया कि education है, shelter, employment है, ये सारी चीजें भी इसमें include करवा कर फिर उन्होंने एक campaign start किया कि इन दोनों लोगों ने मबूद उल्लाह हक एंड अमृत्य सेन जो है इन्होंने ये स्टार्ट किया था. ठीक है, इसमें द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, इसमें फिर इनकी डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड किया गया कि साइको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज अंडर इट इसके अंदर आएंगे.
persisting phenomenon of poverty is attributed to the many factors, one of which is a mass unemployment. ये भी एक इसका reason है, ठीक है, poverty का under unemployment. Large number of people in the rural areas do not have a regular and adequate work. उनको regular work कुछ नहीं मिल रहा है, adequate जितना होना चाहिए उतना work नहीं मिल रहा है, इसके वजह से लोग क्या हो रहे हैं, unemployed हो रहे हैं. In urban areas also the number of educated unemployed is very high. ठीक है, educated है but फिर भी वो लोग unemployed है. ठीक है, उसके उसपे भी नंबर बहुत ज्यादा है. The growing population is regarded as the reason of poverty. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से प्रॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है. थ्रू पॉपुलेशन इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट रिसोर्स इन द कंट्री, द फैक्ट द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज नॉट बीन एबल टू इंश्योर सोशल जस्टिस एंड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज नॉट बीन ब्रिज्ड. बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉवर्टी कंटिन्यूज टू रिमेन अ ग्रेट चैलेंज टू द इंडियन डेमोक्रेसी. इसके वजह से क्या हो रहा है, प्रॉवर्टी कंटिन्यू होती जा रही है क्योंकि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है. ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच का गैप है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जस्टिस नहीं मिल रहा है. ठीक है, टू रिमेन अ ग्रेट चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी. इसके वजह से ये सारे क्या बन रहे हैं, ग्रेट चैलेंज बन रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी के लिए, जब तक कि उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता. ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स एंड वुमन एग्जिस्ट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ. ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन हमें देख लें अब नहीं मिलता है, बट पहले हुआ करता था. गर्ल्स एंड वुमेन्स एग्जिस्ट इन एवरी वॉक ऑफ द लाइफ. यू मस्ट हैव सच एक्सपीरियंस ऑफ प्रिवलिंग जेंडर इनइक्वलिटीज इन अवर सोसाइटी एंड पॉलिटी. बट वी नो दैट जेंडर इनइक्वलिटी इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enjoins upon the state to ensure that man and woman are treated as equal and there is no discrimination against women. ठीक है, मतलब constitution के हिसाब से, constitution of India के हिसाब से तो यही है, यही एक law है, जैसे कि man and woman दोनों को equal treat करना है. Man and woman are equally treated. ठीक है, वहाँ पे कोई भी discrimination against woman नहीं है in the law. Fundamental rights and fundamental duties as well as the directive principles of a state policy makes this intention very clear. इसको clearly इन्होंने दोनों में fundamental rights में भी इसको clear कहा है, fundamental duties में भी clearly mentioned है. ठीक है, इन दोनों में कोई discrimination नहीं है. But the discrimination against females continues to be the fact of a life. But फिर भी discrimination होता रहता है. It is a clearly reflected in the sex ratio, child sex ratio and marginal mortality rate. ये से clear होता है mortality rate से. The number of females in a comparison to males has been declining ever since 1901 to 1901 the sex ratio was 972 females per thousand. ठीक है, 972 females हो गई per thousand पे. It came to down to 927 females per thousand males in 1991. According to the 2011 census, it is 940 females per thousand males, which is still very unfavorable to the females. ठीक है, in some of the states, the 2011 census reported a very low sex ratio of 877 females per thousand. ठीक है, ये 2011 का है census के हिसाब से, जहाँ पे thousand के कंपैरिजन में सामने 877 फीमेल्स हो करती थी. मतलब जितने न्यूबोर्न बेबीज जो होते हैं वो उसमें सब मेल से ज्यादा, मतलब मेल से कम है फीमेल्स. फीमेल्स जो है उनका रेशियो हमेशा से कम आता है. हरियाणा द लोएस्ट बीइंग 618 इन दमन एंड दीयू 866 एंड इन एंड सिटी ऑफ दिल्ली. ठीक है, इतने कम कम रेशियो देखने मिलते हैं पर थाउजेंड के. The child sex ratio is a matter of greater concern. According to 2011 census, the child sex ratio 0 to 6 years in India is only 914 females. उसमें 914 females है children per thousand, thousand males के comparison में. ठीक है, there this is a lower than 2001. ये 2001 से भी कम है. ठीक है, 2011 census which reported child sex ratio of a 927 female children per 1000 male children. It has been declined because of several factors. ये किस लिए कम हो रहा है, ये decline होता जा रहा है, कुछ factors हैं इसके. Let's see
लाइक द प्रिवलिंग प्रेफरेंसेस ऑफ मेल चाइल्ड, क्योंकि लोग प्रिफर करते हैं जनरली मेल चाइल्ड. डिस्क्रिमिनेटेड ट्रीटमेंट अगेंस्ट द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड राइट्स आफ्टर बर्थ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड राइट्स आफ्टर बर्थ and the increasing incidence of female infanticide and female foxicide. By using technology, people are forcing mothers to get the fetus of a female child aborted. ठीक है, female child हो तो उसे aborted, abort कर दिया जाता था, इसलिए उनको mothers कर दिया जाता है, उनके mothers को force किया जाता है इस चीज के लिए. Infant mortality rate among girl children is high. गर्ल चिल्ड्रन की मॉर्टेलिटी रेट इसमें हाई है एज कंपेयर टू दैट अमंग बॉय चिल्ड्रन. बॉय चिल्ड्रन के कंपैरिजन में द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2004 एंड 6 इज 254 पर लाख 5 पर लाख लाइव बर्थ्स व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी हाई. 254 पर लाख लाइव बर्थ्स में, ठीक है. Sonu Khatun is a native of Assam. She is one of the increasing number of bridges getting married in Haryana. Haryana has an unfavorable sex ratio between man and woman. The Red Cross Society of India, which campaigned against the female infanticide and foxicide in the country in one of its report in 2010, pointed out that at least 100 brides were brought into Bhiwani, one of the 21 districts of Haryana, adapted from the print edition International Economics, the Economics, 4th March 2010 का. ये कहाँ से लिया गया है? International Economics, 4th March 2010 का. Read the case stated above and answer the following questions. Why do you think Sona Khatun from Assam got married in Haryana? ठीक है, ये सारा आप इसको पढ़ के ये activity complete कर सकते हैं. Let's move. Amended 1993, providing 33% reservations of seats in a Panchayat Raj institution. Municipalities and municipal corporations have facilitated to the course of political empowerment of women. ठीक है, municipal corporation में भी have facilitated the courses of political empowerment for the women. However, traditionally women have been subordinated in the society, which restricts their participation in every field. This has been true for women belonging to more or less all classes and communities. Women reservation bill providing 33% of reservations of women in the parliament. Yes, yet to be passed despite a very low ratio of women in both the houses of parliament. The women reservation bill was meant to increase the proportion of women in the parliament to provide opportunities for the equal political participation. ठीक है, उनको भी equal political participation मिले, इसलिए women को भी allow किया गया. Why? Most parties agree on the need of such a bill. No, none of them has given it a priority. Let's see. Casteism, communalism, मतलब ये जो ऊपर का डेटा जो था, मतलब इन्होंने यहाँ पे जो मेंशन किया है, मतलब nowadays ये चीज इतनी नहीं देखने मिल रही है, right? Women's भी है उतने ही कदम से कदम मिलाकर मेंस के साथ बढ़ रहे हैं. मतलब हर एक फील्ड में, जहां पे भी हम देखें, हर एक फील्ड में वुमेन्स का इतना ही योगदान रहा है. ठीक है, आप कहीं भी कोई भी फील्ड देखो, उसमें अगर मैन अच्छी पोजीशन पे है तो उसके सामने कंपैरिजन में वुमेन भी उससे बेटर कंपैरिजन में वो वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, सो देयर इज नथिंग लाइक डिस्क्रिमिनेशन. ये कुछ ओल्ड डेटा था, कहीं कहीं कोई कोई ऐसे पर्टिकुलर एरियाज में अगर मे भी शायद ये सारी चीजें देखने मिलती हो, बट नाउडेज इतना ये नहीं रहा. ठीक है, गर्ल्स को भी इतने ही राइट्स मिले हैं. कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, मेंटलिज्म. द इंडियन डेमोक्रेसी फेसेस सीरियस चैलेंजेस आल्सो फ्रॉम कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. दे weaken the functioning and stability of democratic system. Let's see first casteism. The caste system, which presumably originated in the division of labor in the ancient society, has become a more or less rigid groups classification. Originated in the division of labor. कैसे originated हुआ? Division of labor. Ancient society में
has become a more or less rigid groups classification. इसके वजह से उनके वर्क उनके प्रोफेशन के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया गया था लोगों को, ठीक है, क्लास किसी क्लासिफिकेशन पे बेस्ड ऑन द वर्क. Have you ever experienced that the role of caste in your life and society? You will agree that the most detrimental and inhuman aspect of the caste system is a practice of untouchability, which is continuing in spite of constitutional ban imposed on it. ठीक है, ये untouchability वाली जो चीजें हैं, ठीक है, मतलब पहले के टाइम ये चीजें ज्यादा हुआ करती थी, nowadays ये चीजें इतनी नहीं होती है, ठीक है. This is actually imposed it continued in spite of constitutional ban imposed on it. This has led to segregation of so-called low caste or Dalits. Low caste कहा जाता है या फिर इनको Dalits भी कहा जाता है, depriving them of education and other social benefits. इनको इनसे दूर किया जाता है, education भी कम दिया जाता था पहले मतलब, and social benefits भी इतने नहीं दिए जाते थे. The Dalits have been typically performing menial labor and some of the hardest physical work in the society. वो मतलब कुछ physical work करते थे, hardest physical work करते थे and manual labor का काम किया करते थे, labor का काम किया करते थे. Casteism has played a negative role even in the democratic political process. In fact, casteism has become notorious as a strategy of exploitation of a caste consequences for narrow political gains. The caste system acts against the roots of democracy. The democratic facilities like fundamental rights relating to equality, freedom of speech, expression and association, participation in the electoral process, free media and press, and even legislative forms are misused for maintaining casteist identity. ठीक है, ये कुछ फैसिलिटीज लाइक फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू द इक्वलिटी, फिर है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्पीच, एक्सप्रेशन, उनके व्यूज, आइडियाज, एसोसिएशन, पार्टिसिपेशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, फ्री एंड फ्री मीडिया एंड प्रेस एंड इवन लेजिस्लेटिव फॉर्म्स आर मिसयूज्ड. इन सबका मिसयूज आर मिसयूज्ड फॉर मेंटेनिंग कास्टियस्ट आइडेंटिटी. कास्टिज्म हैज also been contributing towards continuation of socio-economic inequalities. It is true that India has been an unequal society from times immemorial. The scheduled caste SCs, the scheduled tribes STs, and the backward classes have suffered down the ages from socio-economic deprivation. There are enormous inequalities in our society which are poising serious challenges to the Indian democracy. Indian democracy में ये बहुत सारे serious problems हैं, issues हैं कि because of this issues like casteism के basis पे मतलब ये उन लोगों को इतना equality नहीं दी जाती थी, ठीक है. So it suffers a lot. What is more alarming in the mixing of caste and politics resulting into the politicians of caste and casteism of politics is contemporary Indian polity which has become a grave challenges to our democracy. Despite the era of liberalization and globalization, caste consequences has not been adored in our society and caste are being increasingly used as a vote bank policies politics. Contemporary India politics which has become a grave challenge to our democracy. So this is what we see, casteism. Okay. Communalism and religious fundamental have acquired a very dangerous form of alarming proportion in the India. ठीक है, dangerous form हुआ, create हुआ, ये चीज है communalism होना किसी भी country में. Then disrupts the pattern of coexistence in our multi-religious society. ठीक है, हमारी society कैसी है, multi-religious है, जिसमें हर एक धर्म के लोग रहते हैं. Communalism is an affront to the India's nationalist identity. ये affront कर रहा है, ठीक है, मतलब like a comparison, ठीक है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, मुकाबले के टाइम. And tragic setback to its involving secular culture. Secular culture जो है हमारा, इसमें tragic setback ला रहा है इसमें. It survives of our democratic political stability. Political stability को भी survive कर रहा है. And destroy our glorious heritage. हमारा जो heritage of humanism है,
ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ इम्यूनिज्म एंड कंपोजिट कल्चर, इसको भी ये डिस्ट्रॉय करे जा रहा है. क्विट ऑफ टर्म कम्युनिज्म इज रॉन्गली यूज्ड, कम्युनिज्म ये रॉन्गली यूज हो रहा है एज ए सिनोनिम ऑफ रिलीजन एंड कन्वर्टिज्म. ठीक है, कंसर्वेटिज्म ये जो हमारे रिलीजन है इसका एक सिनोनिम देकर ये गलत तरीके से इसको यूज किया जा रहा है. एडहेरेंस टू द रिलीजन और अटैचमेंट टू द रिलीजियस कम्युनिटी इज नॉट कम्युनलिज्म. ऑल्सो कन्वर्टिज्म रिप्रेजेंट सोशल बैकवर्डनेस, इसके वजह से क्या हो रहा है सोशली बैकवर्डनेस देखने मिल रहा है. ठीक है, इट डज नॉट मीन कम्युनिज्म आइदर. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कम्युनिज्म इज एन आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल एलिगेंस टू द रिलीजियस कम्युनिटी. इट यूजेस वन रिलीजियस कम्युनिटी अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज एंड प्रिसाइड्स अदर रिलीजियस कम्युनिटी एज इट्स एनिमीज. ठीक है, मतलब एक धर्म के वजह से दूसरे धर्म में कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, दूसरे धर्म के वजह से सिंगल किसी एक धर्म में कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए. जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इन्होंने बताया विष्णु इज ग्रेट, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गॉड इज ग्रेट. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अल्लाह इज ग्रेट. तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, एवरीवन इज इक्वल, मतलब सब एक ही है ये भाव रहकर सब लोग रहे एज अ मैटर ऑफ फैक्ट. ठीक है, Communism is an ideology of political allegiance to the religious community. It uses one religious community against other communities. ठीक है, मतलब इसके वजह से मतलब problems भी create हो सकते हैं, right? It is opposed to secularism and even humanism. इसके वजह से इंसानियत भी नहीं रहे, ऐसा ना हो. One of the manifestation of communism is communal rights. ठीक है, rights. In recent past also communalism has proved to be a great threat to our social and political life. इसके वजह से क्या हो रहा है social life भी और political life में भी threat बन गया है. On a several locations, किसी किसी occasion में. ठीक है, can you recollect some communal incidents that have occurred in our recent past? No need. फिलहाल के लिए इसकी जरूरत नहीं है. Religious fundamentalism देखते हैं. Religious fundamentalism also reinforces communalists in exploiting both religion and politics. ये दोनों को destroy कर रहा है. Religious fundamentalism. In fact, fundamentalism acts as an ideology which advocates a return to orthodoxy and strict compliance to the fundamental tenets of religion. Religious fundamentalists vehemently oppose progressive reforms in order to establish their exclusive control on their respective communities. उनके communities पे क्या वाला exclusive control लाने के लिए इसको establish किया जाता है. Religious fundamentalist vehemently oppose. उसके है, उसके बाद है religionism. Indian democracy has also been struggling with religionalism, which is primarily an outcome of religional disparities and imbalances in development. इसके वजह से क्या हो रहा है? Development में क्या हो रहा है? Imbalance हो रहा है, disparities देखने मिल रहे हैं, religion disparities. We all know that India is a plural country, which diversities of religion, different तरह के religions हैं, languages हैं, communities हैं, tribes and different cultures हैं. A number of cultural and linguistic groups are connected, concentrated in certain territorial segments. Also, development process in the country aims at growth and development of all regions. The regional disparities and imbalances in terms of differences in per capita income, literacy rate, state of health and educational infrastructure and services, population situation and levels of industrial and agricultural development continue to the exist. मतलब इतने सारे parts क्या आ रहे हैं? Through development process कौन से areas में उन्हें बताए हुए हैं? Development of all religion. जैसे कि इसका aim ये है. All through development process in the country aims. Development process का aim क्या है? That growth and development of religion, growth and development of regions, regional disparities and imbalance in the terms of differences in per capita income. मतलब इसमें difference ना रहे, ठीक है? Per capita income proper बनी रहे, literacy rate अच्छा बना रहे, state of health and educational infrastructure बनते रहे, services मिले, population situation and levels of industrial and agricultural development continues to exist. Existence and continuation of religion inequalities both among state and within a state create a feeling of neglect. इसमें से कैसे feelings create होंगे? Neglect की.
deprivation and discrimination wali feelings create hongi. ठीक है, this situation has led to religionism manifested in demands for creation of new states, autonomy or more powers to state or even secessions from the country. It is true that religionism and sub-religionisms are unavoidable in a vast and plural country like India. It is not always correct to consider very attempt to support it or define religion or sub-religional interest as diversity, fissitious and unpatriotic. It is true that religion and sub-religions are unavoidable. Ko avoid nahi kiya ja sakta, theek hai? As a vast and plural country like India, it is not always correct and considered very attempt to support. The problem means when these interests are politicalized and regional movements are promoted for the ulterior part political motives. Such unhealthy religion or sub-religion patriotism is cancerous and disruptive. The continuing regional imbalance have given rise to militant movements in certain parts of our country. Militant movements create होते हैं इसके वजह से, ठीक है, rise होते हैं because of this inequalities, imbalance in our country, किसी किसी part में. फिर है separatist demands in Jammu and Kashmir और by United Liberation Front of Assam (ULFA) in Assam or by different groups in the north and eastern region are matter of grave concern of Indian polity. These are the matters of grave concern. So here we are completing this topic also, religionism, regionalism.